चंदौली जिले के सदर ब्लॉक कांटा ग्राम पंचायत में कूड़ा कलेक्शन सेंटर का निर्माण हो रहा है। उसी जगह का शुक्रवार को डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे ने भूमि पूजन किया। डीपीआरओ ने बताया कि कूड़ा कलेक्शन सेंटर बन जाने से गांव की गंदगी दूर हो जाएगी। ग्रामीणों के घरों से कूड़ा करकट को कूड़ा कलेक्शन सेंटर में ले जाके नष्ट किया जाएगा। इसमें खाद भी बनाया जाएगा जो कूड़े के तौर पर लोहा प्लास्टिक होगा, उसको इकट्ठा कर बेचा जाएगा जिससे गांव की आमदनी होगी। देखिए हमारे संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट। सर आज यहां क्या कार्यक्रम रहा? यहां पर कार्यक्रम जो था, जो कूड़ा कलेक्शन सेंटर एक बनेगा जो ग्राम पंचायतों से डेली कूड़ा निकलेगा, सफाई कर्मी लगाए जाएंगे, उनके लिए स्वचालित रिक्शा खरीदा जाएगा, उससे जो कूड़ा इकट्ठा होगा वो कूड़ा कलेक्शन सेंटर के रूप में एक यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी कार्यशाला टाइप की। वहाँ जब इकट्ठा होगा तो इसमें कुछ महिलाएं, कुछ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, जो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा को अलग करेंगे, लोहे को अलग करेंगे, प्लास्टिक को अलग करेंगे, उसके बाद यह कलेक्शन सेंटर उन जो कूड़े निकलेंगे घरों से निकलेंगे, ग्रामीणों के घर से निकलेंगे, उनको बेच करके ग्राम पंचायत की आय के साधन के रूप में तब्दील किया जाएगा। ग्रामीणों को कितना लाभ मिलेगा? ग्रामीणों को लाभ सबसे पहले तो गंदगी से निजात मिलेगी, जो घर के अगल बगल घूरे हैं, जो प्लास्टिक फैली हुई है और कूड़े लोग फेंक देते हैं, उनको इकट्ठा करके जब एक जगह लाया जाएगा तो कूड़े से आय के साधन ग्राम पंचायत का बढ़ाने का काम किया जाएगा। इससे जो है ग्रामीणों को स्वच्छता सफाई मिलेगी और रोगों से मुक्ति मिलेगी। इसमें आपने रोजगार की बात कही, किन लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार यहाँ के जो लोग काम करने वाले होंगे, इच्छुक होंगे, जो ग्राम पंचायत तय करेगी, समूह की महिलाएं होंगी, उनको काम दिया जाएगा। लगभग कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा? शुरुआत में तो 5-6 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, हो सकता है कुछ गाँव में कूड़ा कलेक्शन सेंटर न बन पाए तो अगल बगल के गाँव का भी कूड़ा लाने का प्रयास किया जाएगा, और यहाँ से इकट्ठा करके जो चीज़ें खाद में तब्दील हो सकती हैं उनको खाद में तब्दील कराया जाएगा, खाद गड्ढे बनाए जाएंगे, बर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, और जो चीज़ें बिक सकती हैं, प्लास्टिक है, लोहा है और चीज़ें हैं, उनको बिकवा करके ग्राम पंचायत की आय को बढ़ाने का काम किया जाएगा, और उसी से उन जो मजदूरों को लगाया जाएगा, व्यक्तियों को लगाया जाएगा, समूह की महिलाओं को लगाया जाएगा, उनको भी उसका मानदेय देने का प्रयास किया जाएगा।